एक और जब देश के प्रधानमंत्री जी अपना नई पार्लियामेंट में राज्याभिषेक की तरह कर रहे थे, उस वक्त देश का लोकतंत्र सड़क पर कुचला जा रहा था। देश के लोकतंत्र को पुलिस के द्वारा बस के अंदर उठाकर बंद किया जा रहा था। और यहीं तक ये सब सहमा नहीं, तमाम लोगों को डिटेन करके ले जाया गया और उसके बाद सेम डे दिल्ली पुलिस के द्वारा देश के पहलवानों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। एक और जहां देश की बेटियां चिल्ला रही थी FIR के लिए, FIR दर्ज नहीं करी दिल्ली पुलिस ने। FIR दर्ज कराने के लिए पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, वहीं दूसरी ओर पहलवानों के ऊपर FIR दर्ज करने में पुलिस जरा सा भी समय नहीं लेती है। संसद में PM मोदी ने डाली नई परंपरा, बिल्कुल जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती या 14 अप्रैल को भी किया जा सकता था, या 26 जनवरी देश के गणतंत्र दिवस को भी किया जा सकता था, या फिर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर भी किया जा सकता था, लेकिन उस दिन ना करकर उसको किया गया 28 तारीख यानी सावरकर की जयंती पर। स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं का नहीं हुआ जिक्र। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम होता है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करने वाले वो तमाम लोग, क्या उनका खून नहीं खौलता इस बात को लेकर कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कोई स्टेडियम नहीं है? देश के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर स्टेडियम नहीं बनाया जा सकता था? एक बात आप मुझे बताइए, पुलवामा में हमारे देश के जवानों ने शहीद हुए, हमारे देश के जवानों ने अपनी जान गंवाई, उनके लिए क्या किया सरकार ने, जरा ये बताइए। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो सवालों को जन्म देता है, बिल्कुल ये आप समझिए। अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवार नेताओं से सवाल पूछेगा, शिक्षा से अधिकारी बनते हैं, मंदिर से भिखारी बनते हैं। शिक्षा जो है वो इस देश के लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने का हक और अधिकार देती है। शिक्षा बताती है कि आपके फंडामेंटल राइट क्या है। शिक्षा बताती है कि आपको देश के संविधान ने यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको राइट टू स्पीच का अधिकार दिया है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया है। और बीजेपी चाहती है कि अगर ये लोग इस अधिकार से रूबरू हो गए तो हमारी हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर और मस्जिद की राजनीति तो खत्म हो जाएगी। देखिए, आज हमारे देश का जवान सरहद पर शहीद हो रहा है, हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, और हमारे देश का पहलवान सड़क पर इंसाफ की गुहार कर रहा है। इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले जवान किसान और उन जवान और किसान के बच्चे यानी पहलवान आज तीनों सड़क पर इंसाफ के लिए परेशान है, लेकिन इस देश की सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। देश की सड़कों पर यानी देश की राजधानी की सड़कों पर दिल्ली पर 33 दिन देश की बेटियां जंतर मंतर पर धरना देती रही, लेकिन मजाल है देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के किसी भी नेता के कान पर जू रेंग जाए, देश का कोई भी नेता बेटियों के समर्थन में नहीं आता है, भाजपा का कोई बोलने को तैयार नहीं होता। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री जी जापान भी हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी हो जाते हैं, लेकिन एक बार भी देश के प्रधानमंत्री जी बेटियों से बात करने के लिए नहीं आते हैं। जब बेटियों को दिखता है कि 33 दिन हमें हो गए हैं, वो मंदिर भी जाती हैं, गुरुद्वारे भी जाती हैं, तब भी कुछ नहीं होता है, उसके बाद बेटियां एक ऐलान करती हैं और वो कहती हैं कि हम लोग इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे शांतिपूर्ण कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए। और यही हुआ, पुलिस फोर्स लगी हुई थी तमाम इंडिया गेट पर भी और जंतर मंतर के बाहर से भी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना कैंडल मार्च निकाला और उसको समय रहते समाप्त भी किया, कि किसी भी सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त नहीं किया, किसी को भी हानि या चोट नहीं पहुंचाई, शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने अपना काम किया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दिखा कि भैया देश के प्रधानमंत्री तो अभी भी नहीं सुन रहे, तो उसके बाद उन्होंने एक ऐलान किया 28 तारीख, जिस दिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे, उस दिन देश की नारी शक्ति यानी महिलाएं जाकर सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर पंचायत करेंगी, वो भी शांतिपूर्ण कानून और संविधान के दायरे में रहकर। जब उससे एक दिन पहले पुलिस के द्वारा तमाम बड़े बड़े किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तमाम बड़े बड़े नेताओं को, समाज सेवियों को घर के अंदर होम अरेस्ट कर दिया गया, तो उसके बाद क्या जब देश के प्रधानमंत्री जी वहां से जा चुके थे पार्लियामेंट से, उसके बाद क्या दिल्ली पुलिस को उनको जाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी? दे देनी चाहिए थी, उनको आधे घंटे बैठने की परमिशन देनी चाहिए थी, ताकि उस पार्लियामेंट के सामने से एक मैसेज जाए कि भाई देश की पार्लियामेंट, जो लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर बेटियां इंसाफ के लिए, न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको बदले में क्या दिया, मैं आपको बताता हूं। एक और जब देश के प्रधानमंत्री जी अपना नई पार्लियामेंट में राज्याभिषेक की तरह कर रहे थे, उस वक्त देश का लोकतंत्र सड़क पर कुचला जा रहा था। देश के लोकतंत्र को पुलिस के द्वारा बस के अंदर उठाकर बंद किया जा रहा था। और यहीं तक ये सब सहमा नहीं, तमाम लोगों को डिटेन करके ले जाया गया और उसके बाद सेम डे दिल्ली पुलिस के द्वारा देश के पहलवानों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई।
एक और जहां देश की बेटियां चिल्ला रही थी एफआईआर के लिए, एफआईआर दर्ज नहीं करी दिल्ली पुलिस ने, एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, वहीं दूसरी ओर पहलवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने में पुलिस जरा सा भी समय नहीं लेती है। क्या आपको नहीं लगता कि आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में? मैं बनारस के अंदर मौजूद हूं, बनारस के अंदर मौजूद हूं, मेरे हाथ में एक अखबार है, बनारस का काफी फेमस ये अखबार है, बनारस की काफी जनता इसको पढ़ती भी है, इसका नाम है अचूक संघर्ष। इसमें एक खबर छपी है वो भी फ्रंट पेज पे हेडलाइन के तौर पर। जिस तरीके से गोदी मीडिया के आपको पत्रकार मिलते हैं, गोदी मीडिया दिखती है, तो इस देश के अंदर एक सोशल मीडिया जो सच्चाई को दिखाने का काम भी करती है। जिस तरीके से आपको प्रिंट गोदी मीडिया दिखती है, तो प्रिंट एक सच्ची मीडिया भी है जो सच्चाई को प्रदर्शित करने का काम करती है। तो प्रिंट मीडिया के एक सच्चे पत्रकार ने जो छापने का काम किया है और फ्रंट पेज की हेडलाइन पे उसने लिखा है कि नई संसद भवन में सिंगोल सड़क पर और लोकतंत्र गोल। बिल्कुल लोकतंत्र कहीं ना कहीं गोल हो गया है। उसके बाद उन्होंने हेडिंग में लिखा है कि देश में खत्म होता प्रतीत लोकशाही का सच और राजशाही का आगमन। बिल्कुल आज कहीं ना कहीं इस देश में लोकतंत्र जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड पॉइंट में वो लिखते हैं कि सावरकर की जयंती पर संसद में पीएम मोदी ने डाली नई परंपरा। बिल्कुल जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती या 14 अप्रैल को भी किया जा सकता था, या 26 जनवरी देश के गणतंत्र दिवस को भी किया जा सकता था, या फिर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर भी किया जा सकता था, लेकिन उस दिन ना करकर उसको किया गया 28 तारीख यानी सावरकर की जयंती पर। स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं का नहीं हुआ जिक्र। तीसरा पॉइंट और सबसे बेहद और बड़ा पॉइंट, स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से आज आप स्वतंत्र होकर सवाल कर पा रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश की आजादी तो के लिए लोग तो अपना बुलबुल पे उड़ करके जाते नहीं थे। जी जी जी, तो एक महान काम किया ना सावरकर जी ने। देखिए बुलबुल पे उड़ करके आना जाना है एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, गांधी जी और तमाम जिन लोगों ने आजादी में अपनी जान दी, पूरी पूरी जिंदगी गुजार दी, उनका न कहीं जिक्र है, न कहीं नाम है, न उनके जयंती वाले दिन ये किया गया। पहली चर्चा करूंगा जो आपने कहा कि ये संगोल को लेकर भी कहा, और आपने इससे पहले एक पॉइंट कहा कि स्वतंत्रता सेनानी जो बुलबुल पर बैठ के गए। देखिए भगत सिंह बुलबुल पर बैठकर नहीं गए, और बुलबुल पर बैठ के सावरकर को किसी ने भी नहीं देखा। बुलबुल इतनी सी और सावरकर इतने बड़े ना जाने कैसे बैठे हो। खैर ये मोदी जी का राज है, कुछ भी हो सकता है, इस पे चर्चा हम नहीं कर सकते। मोदी है तो मुमकिन है, बुलबुल पर सावरकर कर बैठकर जाना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन भगत सिंह ने जो फांसी का फंदा चूमा हम उसको भी नहीं भूल सकते, हम अशफाकुल्ला खां को नहीं भूल सकते, हम राजगुरु सुखदेव और महारानी लक्ष्मीबाई जैसे क्रांतिकारियों को नहीं भूल सकते, लेकिन उनका कहीं कोई जिक्र नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम होता है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करने वाले वो तमाम लोग क्या उनका खून नहीं खौलता इस बात को लेकर कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कोई स्टेडियम नहीं है? देश के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर स्टेडियम नहीं बनाया जा सकता था? एक बात आप मुझे बताइए, पुलवामा में हमारे देश के जवानों ने शहीद हुए, हमारे देश के जवानों ने अपनी जान गवाई, उनके लिए क्या किया सरकार ने, जरा ये बताइए। किया तो किया, सत्यपाल मलिक ने जब इसकी आवाज खुलासा किया और खुलासा किया तो उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की उनके ऊपर जांच बैठा दी गई। ठीक है, वो आपने देखा, लेकिन आप समझिए ना, इस देश की जनता कैसी है, मरी हुई जनता है जिनको इस सब मुद्दों पे बात ही नहीं करना। देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर एक बार भी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेकर नहीं बोले, जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए नहीं बोले। क्या देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती कि जो हमारे देश की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं उनको सैल्यूट किया जाना चाहिए था? और मैं कहता हूं कि इस पार्लियामेंट के लिए मेन चीफ गेस्ट होने चाहिए थे भारत देश के वो तमाम जवान जो भारत देश की सुरक्षा करते हैं, भारत देश की हिफाजत करते हैं। मैं कहता हूं खुलेआम कि नरेंद्र मोदी इस देश की जनता से डरते हैं। जब प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं तो भाषण देने के लिए कंटेनर की दीवार उन्हें खड़ी करनी पड़ती है। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं तो उनको सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी देश की जनता से, प्रजातंत्र से डरते हैं। और अब बात करते हैं संगोल को लेकर। जब बात आती है संगोल की तो जानते हैं ये संगोल जो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर जो मेरे हाथ में है, ये जो तमाम लोग हैं, ये राजनीति जो संगोल की नरेंद्र मोदी जी खेल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं, ये राजनीति किसी और की नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। जिस तरीके से साउथ से भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ, क्लीन स्वीप हुआ, उसके बाद बीजेपी ने ये संगोल की राजनीति को शुरुआत करने के लिए तमिलनाडु से वोट लेने की कोशिश करी है कि तमिलनाडु से हमें वोट मिल जाए। बस इसीलिए काशी जो है कही जाती है दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है, और यहां पर आप देखें तो बहुत विद्वान हुए, तो यहाँ उनको काशी से कोई विद्वान नहीं मिले।
तभी वो साउथ चले गए। देखिए आप सोच लीजिए, काशी इतनी बड़ी धरती जहां से नरेंद्र मोदी जी चुनाव भी लड़ते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, यहां से इनको कोई विद्वान नहीं मिले क्या? क्योंकि राजनीति सिर्फ वोट बैंक की थी सर। ये तो तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि जिस काशी की बात करते हैं, जिस मथुरा की बात करते हैं और जिस अयोध्या की बात करते हैं, वहां से क्या किया है आपने, जरा ये तो बताइए आप मुझे। आज जब मैं आया यहां पर तो वाराणसी में पता चला कि यहां तो G20 चल रहा है। जब पता चला तो G20 की आड़ में 2 से 2500 लोग जो रेडी खोमचा पटरी वाले हैं, उनकी आवाज कोई चैनल कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अखबार उनकी आवाज को छापने वाला नहीं है, जो प्रतिदिन 500,000 कमा के अपने घर और अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, आज उनके रेडी खोमचे को हटा दिया गया है। ये G20 है, G20 है सर। G20 में एक एक जगह पूरा का पूरा वेंडिंग जोन जो सरकार ने डिसाइड किया है, वेंडिंग जोन को पूरा हटा दिया गया। कहा गया अगले 30 दिन तक आप यहाँ नहीं लगाएंगे ठेला जी। और विकास बनारस में इतना जबरदस्त हो रहा है कि जिला मुख्यालय की सड़क G20 के तैयारी में बनाया गया था, वो मुख्यालय है, वहीं से सारे गेस्ट को आना जाना था। G20 का पहला सम्मेलन खत्म हुआ, दूसरा अगले महीने में है, और दूसरे सम्मेलन से पहले वो बनी हुई सड़क फिर से बना दी गई। जिला मुख्यालय के डिवाइडर को 10 बार तोड़ के बनाया गया जी। इतना बढ़िया विकास हो रहा है, आपको नहीं लगता ये विकास? सर ये विकास जो है ना, ये विकास सिर्फ उन्हीं जगहों का है जो पहले से ही डेवलप है, ठीक है ना। बाकी आज भी जब बनारस में पानी गिरता है तो पानी गिरने के बाद गलियों के अंदर जो है इतना पानी भर जाता है कि जैसे बाढ़ आ गई हो, पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है। और अभी तो मैं परसों क्रिकेट का मैच देख रहा था तो उसमें क्रिकेट स्टेडियम की इतनी तारीफ हो रही थी, क्रिकेट स्टेडियम से ज्यादा तारीफ नरेंद्र मोदी की हो रही थी। और वहीं वीडियो आ रही तो देख रहे कि फॉर्म से सुखा रहे, वैसे दिखा रहे कि ड्रेनेज सिस्टम इतना बेटर है उसका, इतना बढ़िया है कि 2 घंटे में मैच स्टार्ट हो जाता है। तो मैच 2 घंटे में अगर स्टार्ट हो जाता है तो मैच रात को 1 बजे 1:30 बजे क्यों समाप्त हो रहा है, जरा सवाल का जवाब दीजिए ना। तो नरेंद्र मोदी जी की चाटुकारिता करने में इस वक्त कोई पीछे नहीं है, पत्रकार भी आगे है और इस देश का अखबार का संपादक भी आगे। एक सवाल करूंगा जी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी पार्टी का समर्थक हो, हमारे इस देश में शिक्षा पे बात क्यों नहीं होती? हमारे इस देश में बात क्यों नहीं होती जो किताबें हमारे बच्चों को 1,000 रुपए में NCERT की 600 से लेके 1,000 में मिल सकती है, उसको हम प्राइवेट पब्लिकेशन से कम 8 से 10 हजार में खरीदते हैं। आखिर इसमें ना ही अभिभावक बोलते हैं, ना हमारे नेता बोलते हैं, ना हमारे शीर्ष पे बैठे इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं जी। गरीबों की बात करते हैं लेकिन ये एक बड़ा जो है ना, हर साल 10,000 रुपया लगाना जबकि हमें 1,000 रुपए में एनसीईआरटी की किताबें मिल रही है। देखिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो सवालों को जन्म देता है, बिल्कुल ये आप समझिए। अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवार नेताओं से सवाल पूछेगा। शिक्षा से अधिकारी बनते हैं और मंदिर से भिखारी बनते हैं। शिक्षा जो है वो इस देश के लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने का हक और अधिकार देती है। शिक्षा बताती है कि आपके फंडामेंटल राइट क्या हैं। शिक्षा बताती है कि आपको देश के संविधान ने यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको राइट टू स्पीच का अधिकार दिया है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया है। और बीजेपी चाहती है कि अगर ये लोग इस अधिकार से रूबरू हो गए तो हमारी हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर और मस्जिद की राजनीति तो खत्म हो जाएगी। एक शख्स है जिस शख्सियत को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, फिर उनका नाम लेता हूं, सावित्री बाई फूले और ज्योतिबाई फूले। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के तौर पर देश की तमाम महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने काम किया, शिक्षा का काम यानी शिक्षा को बांटने का जो उन्होंने काम किया, मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर अगर आज भी सावित्री बाई फूले और ज्योतिबाई फूले जैसे लोग पैदा हो जाए तो इस देश के अंदर लोगों को शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं रख सकता। देश के माननीय प्रधानमंत्री जिनको ये समझ आता है कि विपक्षी पार्टी ने 90 बार गाली दी या 91 बार गाली दी लेकिन उनको बेटियों की वो सिसकियां नहीं सुनाई देती है, बेटियां वहां धरने पे बैठी हुई हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, ये सरकार इस पे क्यों नहीं चेत रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं गिन पा रहे उन बेटियों की आह, बेटियों के आंसू जो बह रहे हैं क्यों नहीं गिन पा रहे? मुकदमा होने के बाद पाक्सो जैसे एक्ट में जहां पे अगर आप सिर्फ बात पेनिट्रेशन की भी नहीं है, यहां अगर एक नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट पे या आपने स्तन पे भी हाथ लगा दिया तो 376 माना जाएगा और गिरफ्तारी होगी 24 घंटे में। इसमें गिरफ्तारी का प्रावधान इसमें क्यों नहीं हो रहा है? देखिए गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आज से कुछ टाइम पहले
जो पूर्व जस्टिस जो सीजीआई थे उन्होंने एक चीज लिखी थी दीपक गुप्ता जी ने, उन्होंने लिखा था कि इंसाफ इतना महंगा हो गया है कि गरीब जो है उस इंसाफ का खर्च नहीं उठा पा रहा है। और इस बात से मैं कहीं ना कहीं सहमति दर्ज करता हूं, जिस तरीके से इंसाफ आज सिर्फ जो है वो अमीरों का ही हो गया है, आप ये समझ लीजिए। देश के अंदर बेटियां 33 दिन से सड़क पर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं बेटियों के इंसाफ की मांग तमाम बेटियों के लिए करता हूं, चाहे वो दिल्ली की बेटी साक्षी हो, चाहे फिर वो हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया हो, मैं सभी के लिए न्याय की मांग करता हूं। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं। सर प्रधानमंत्री क्या, महिला मंत्री नहीं सुन रही हैं। स्मृति ईरानी को यह नजर आ जाता है कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी को जंतर मंतर पर बैठी बेटियां और बहन नजर नहीं आती हैं। स्मृति ईरानी वो महिला मंत्री हैं जो जंतर मंतर पर कुछ समय पहले एक डिस्को चलता था, सिलेंडर वाला डिस्को, आज वो डिस्को नहीं चल रहा है। स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो स्मृति ईरानी एकदम तिलबिला उठती है, सदन में बड़ी तेजी से चिल्लाती है, वो बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ नजर आती है, क्योंकि बात उनकी बेटी की होती है ना, लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। आखिर ऐसा क्यों, क्या देश की महिलाएं नहीं समझ रही हैं कि वो अपनी बेटी के लिए बोलती हैं, देश की बेटियों के लिए नहीं बोलती हैं? बात देश के तमाम लोगों को समझनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।